मित्रों, सपने कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यदि किसी स्वप्न में आपने स्वयं को संभोग करते पाया है तो संभवतः ऐसे स्वप्न को भूल पाना आपके लिए काफी मुश्किल है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों में से एक स्वप्न शास्त्र में लगभग सभी तरह के सपनों के अर्थों को बताया गया है? जी हाँ, और इसी शास्त्र में सपने में संभोगरत होने का वास्तविक अर्थ भी मौजूद है। यदि ऐसा होने के पीछे के सही संकेतों को आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। मित्रों, देखा जाए तो ऐसे स्वप्न आप कभी किसी परिचित के साथ देखते हैं तो कभी किसी अपरिचित अर्थात किसी अनजाने चेहरे के साथ। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र दोनों ही स्थितियों में स्वप्न देखने के अर्थ को बताता है, जिसके अनुसार यदि आप किसी परिचित के साथ संभोगरत होने का स्वप्न देखते हैं तो ये आपके लिए एक शुभ संकेत है, जिसका अर्थ ये निकाला गया है कि यदि आप विवाह योग्य अवस्था में हैं या फिर घर में आपकी शादी की चर्चाएं चल रही हैं तो जल्द ही आपकी शादी तय होगी। साथ ही अगर आप विवाह योग्य अवस्था में नहीं है या फिर पहले से ही विवाहित है तो ये स्वप्न लक्ष्मी प्रदाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अब धन आने वाला है और आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होने वाली है। लेकिन मित्रों, किसी नव विवाहिता का सपने में संभोग देखने का एक कारण और माना जा सकता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि किसी शादीशुदा महिला को संभोग के चित्र ज्यादा दिखाई दे तो ये उनके ऊपर प्रेत बाधा का संकेत भी हो सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब किसी लड़की की शादी के दौरान उसे हल्दी चढ़ाई जाती है तो इससे बहुत सी नकारात्मक शक्तियां जैसे जिन, प्रेत आदि सबका उसकी ओर आकर्षित होने की संभावना बढ़ जाती है। और यदि ऐसा हो गया तो ये नकारात्मक शक्तियां भी अग्नि के चारों तरफ लिए हुए फेरों के साथ उस स्त्री के साथ बंधन में बंध जाती है और उसे अपनी पत्नी मानने लगती है, जो किसी नवविवाहिता के सपने में संभोग देखने का मुख्य कारण हो सकता है। इसके विपरीत यदि आप स्वप्न में किसी अनजान चेहरे के साथ खुद को संभोगरत देखते हैं तो ये आपके ऊपर किसी प्रबल प्रेत बाधा का संकेत है या फिर आपके ऊपर किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ रहा है। लेकिन मित्रों, अगर सपने में पति पत्नी ही आपस में संभोग कर रहे हो तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार इसके दो अर्थ माने जा सकते हैं। पहला ये कि आप दोनों पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन काफी अच्छा चल रहा है, और दूसरा ये कि आपको अपने जीवन साथी से वो नहीं मिल पा रहा जैसे कि आपको अभिलाषा थी। और मित्रों, अगर आप स्वप्न में अपने पूर्व प्रेमी या फिर प्रेमिका के साथ संभोग करते हैं तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार इसके भी तीन अर्थ निकाले गए हैं। पहला ये कि या तो आपके पूर्व प्रेमी के साथ शारीरिक रिश्ते बहुत अच्छे रहे हों, दूसरा ये कि आप अपने पूर्व प्रेमी की तुलना में नए साथी को उतना प्रेम नहीं कर पा रहे हों, और तीसरा कारण आपकी जरूरत से जुड़ा है अर्थात वर्तमान रिश्ते में आपकी शारीरिक आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही। इन दोनों ही तरह के स्वप्न के संदर्भ में एक बात और भी सामने आती है। मित्रों, ये भी देखा गया है कि किसी परिचित के साथ देखे गए इस प्रकार के सपने शुक्ल पक्ष में ही ज्यादा आते हैं, जबकि किसी अपरिचित के साथ देखे जाने वाले ऐसे सपने कृष्ण पक्ष में ज्यादा आते हैं। मित्रों, यदि आपको भी अशुभ संकेत देने वाले स्वप्न आ रहे हैं तो इसका एक उपाय धर्मज्ञों द्वारा बताया गया है, जिसके अनुसार एक काले धागे में 7 गांठे लगाकर उस पर सरसों का तेल लगा दें और उसे रात में अपने सिरहाने पर रखकर सोएं और अगली सुबह उसे किसी पौधे के नीचे डाल दें। संभवतः ये आपकी समस्या का समाधान करने में सहायक होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको स्वप्न में संभोग करने के सभी कारणों के बारे में पता चल गया होगा।